नामांकन का आखिरी दिन आज है और आज ही डीएम ऑफिस के आसपास पुलिस जाप्ता भी तैनात कर दिया गया है। लगभग दोपहर 3 बजे तक नामांकन के लिए सभी टोकन जारी कर दिए जाएंगे और टोकन लेने वाले उम्मीदवार के ही नामांकन पत्र जमा होंगे। सरदारपुर सीट से सीएम अशोक गहलोत आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे और आज कई प्रमुख चेहरे निर्दलीय भी नामांकन भरेंगे। राजपाल सिंह शेखावत निर्दलीय अपना नामांकन भरेंगे तो वही झोटपाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत भी नामांकन दाखिल करेंगे। सिविल लाइन से बीजेपी प्रत्याशी है गोपाल शर्मा जो आप अपना पर्चा भरेंगे। झोटपाड़ा से कांग्रेस से अभिषेक चौधरी भी पर्चा दाखिल करेंगे। आदर्श नगर से रवि नैयर नामांकन भरेंगे। वहीं किशनपोल पर आ जाइए तो चंद्रमोहन बटवाड़ा भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो आज कई प्रमुख चेहरे निर्दलीय अपना नामांकन भरेंगे और कई ऐसे भी हैं जो पार्टी से उम्मीदवार के तौर पर उतारे गए हैं, वो भी नामांकन अपना दाखिल करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 11:30 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सिविल लाइन से बीजेपी प्रत्याशी हैं गोपाल शर्मा, झोटवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अभिषेक चौधरी, ये सब आज नामांकन दाखिल करेंगे क्योंकि आज ही नामांकन का आखिरी दिन है। आज ही 6 नवम्बर है। और हमारे साथ कोटा से हिमांशु जुड़े हुए हैं, भरतपुर से दीपक जुड़े हुए हैं, जयपुर से रोशन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं कोटा से हिमांशु के पास चलती हूं। हिमांशु, आज ही कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो नामांकन दाखिल करेंगे, क्या प्रोसीजर और क्या तैयारियां है अभी देखने को मिल रही हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव के नॉमिनेशन को लेकर के आज आखिरी दिन है। हाँ। अब तक अगर बात करें तो कोटा की 6 विधानसभा सीटों में से 33 नॉमिनेशन जो है वो फाइल हो चुके हैं, यानी कि बीजेपी कांग्रेस और जो इंडिपेंडेंट्स हैं निर्दलीय उनको मिलाकर के 33 पर ये फिगर पहुंच गया। लेकिन आज का जो दिन है वो बहुत गहमा गहमी वाला देखने वाला है क्योंकि कई ही जो दिग्गज है वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं, जिसमें मोटे तौर पर कोटा उत्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी और मंत्री शांति धारीवाल जो है वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। खुद प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद रहने वाले हैं। उम्मीद स्टेडियम से एक बड़ी जो रैली है वो जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंचेगी और कहा जा सकता है कि एक तरह से शांति धारीवाल की तरफ से शक्ति प्रदर्शन की तरह से होगा क्योंकि राजस्थान की हॉट सीट अगर काउंट की जाए तो उनमें से कोटा उत्तर एक ऐसी सीट आती है जो हॉट सीट के तौर पर है क्योंकि एक तरफ प्रहलाद गुंजल है बीजेपी के प्रत्याशी जिनके तरफ से जब नॉमिनेशन फाइल किया गया था तब शक्ति प्रदर्शन जो है वो दिखाया गया था। आज जब शांति धारीवाल खुद अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे तो बड़े पैमाने पर इसको लेकर के तैयारी की गई है। कांग्रेस के तरफ से कल जब आखिरी सूची जारी की गई तो उसमें कोटा की 6 में से 4 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जिसमें पीपलदा विधानसभा सीट की बात कर ले तो एक युवा चेहरा है चेतन पटेल, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया तो वो अपना आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं पीपलदा विधानसभा सीट से। इन सबके बीच में रामगंज मंडी महेंद्र राजौरिया नया चेहरा है, वो अपना नामांकन भरने वाले हैं। राखी गौतम कोटा दक्षिण से एक है और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि राखी गौतम की तरफ से नॉमिनेशन पहले ही फाइल कर दिया गया था। वहीं कोटा दक्षिण से अगर बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी संदीप शर्मा जो मौजूदा विधायक भी हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। लेकिन इन सबके बीच में महत्वपूर्ण और अहम बात यह हो जाती है कि वो तमाम दावेदार जो वंचित रह गए, जो टिकट के लिए जो मांग कर रहे थे चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो उनके बगावती तेवर देखने को मिले। और आज देखने को महत्वपूर्ण ये भी मिलेगा कि वो तमाम बगावती चेहरे चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, निर्दलीय नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। बहुत हद तक कोटा से लाड़पुरा विधानसभा सीट की बात कर ली जाए तो पूर्व संसदीय सचिव पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत अपना नॉमिनेशन फाइल करने की जो तैयारी है वो कर रहे हैं। इन सबके साथ में कांग्रेस की ही बात कर ले तो कांग्रेस में भी नईमुद्दीन गुड्डू को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो यहां पर भी बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। यहां से लोकेश जो गुंजल है वो अपना पर्चा दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं निर्दलीय। इन सबके बीच में इस तरह से तमाम सीटों की अगर बात कर ली जाए तो टिकट से वंचित दावेदारों की फहरिस्त लंबी है और वो सभी निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि ये तमाम निर्दलीय तमाम पार्टियों के या बीजेपी वक्त ओके ओके हिमांशु। भरतपुर से दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, क्योंकि भरतपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, कौन निर्दलीय चुनाव
मैदान में उतरा हुआ है, नामांकन दाखिल करने वाला है। कौन बड़े चेहरे आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं, क्योंकि 3 बजे तक का ही टाइम है। देखिए बिल्कुल आयुषी, भरतपुर की बात की जाए तो 7 विधानसभा सीट है यहाँ पर, और अभी तक 7 विधानसभा सीट पर 27 प्रत्याशियों ने 33 नामांकन दाखिल किए हैं और आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो टोकन लेने की प्रक्रिया है वो की जाएगी। और आज बात की जाए भरतपुर की, तो भरतपुर से जो यहाँ गठबंधन की सीट है कांग्रेस के साथ, RLD से डॉक्टर सुभाष गर्ग जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और भाजपा के प्रत्याशी विजय बंसल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के जो बगावती स्वर है भाजपा में वो देखने को मिले। यहाँ से पूर्व जिलाध्यक्ष गिरधारी तिवाड़ी जो लगातार भाजपा के टिकट की तैयारी कर रहे थे और दावेदारी जता रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर उनका टिकट जो है वो कट गया, नहीं मिला किसी कारणवश उनको। अब उनके बगावती जो तेवर है वो देखने को मिल रहे हैं और वो भी अपना निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल करने के लिए अपने समर्थकों के साथ पहुंचेंगे। यानी कि साफ तौर पर आयुषी, भरतपुर विधानसभा सीट का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। ठीक है दीपक, मैं आपके पास आऊंगी। जयपुर से रोशन जुड़े हुए। रोशन, जयपुर में 8 विधानसभा सीट है और जयपुर सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर स्थिति आज क्या रहने वाली है 3 बजे तक के नामांकन के दौर पर? बिल्कुल आयुषी, ठीक कहा आपने कि जो नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है, 3 बजे तक जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन भर सकते हैं। ऐसे में कलेक्ट्रेट के आसपास में भारी पुलिस जाप्ता लगाया गया है। मैं बता दूं सबसे पहले कि पूरे प्रदेश भर के अंदर अब तक 1,079 उम्मीदवारों ने करीब 1,462 नामांकन पत्र भरे हैं। कल यानी 7 नवम्बर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और 9 नवंबर को जो प्रत्याशी है वो अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। ऐसे में 25 नवंबर को जिस तरीके से जो कार्यक्रम तय है, 25 नवंबर को चुनाव होने और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से तमाम तैयारियां कर ली गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता लगातार विधानसभा चुनावों के ऊपर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। ऐसे में जयपुर कलेक्ट्रेट के आसपास और यहां पर कह सकते हैं कि आज जो प्रमुख जो चेहरे हैं, झोटवाड़ा सीट से राजपाल सिंह शेखावत बताया जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरेंगे। ऐसे में यह है, उसके अलावा ओके रोशन, हिमांशु, दीपक और रोशन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए कोटा, भरतपुर और जयपुर से। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।